मुल्क का नागरिक अगर अपनी आवाज को उठाने के लिए सड़क पे बैठेगा तो क्या देश की सरकार उन्हें लाठियों डंडों से पिटवाएगी? हैं, 50-50, 80-80 साल के बुजुर्गों के ऊपर लाठियों डंडे मारे जाएंगे? और कहीं और होता है तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया। पेट्रोल के दाम पूछ रहे हो तो कहते हैं अफगानिस्तान चले जाओ। आज किसान को मारा गया, पीटा गया, बताइए पिटवाने वाले नेता क्या हिंदुस्तान के हो सकते हैं? ये सबसे बड़े देश के गद्दार, देश के जयचंद नेता हैं जो किसानों पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। इतना सा जमीर अगर आपका जिंदा है तो एक बार न्यूज चैनल को खोल के देख लीजिए। नीचे पतली सी छोटी सी हेडिंग की तो मैं कहता नहीं हूँ, कोई चैनल नहीं दिखा रहा किसान को लेकर। सबको वहाँ अफगानिस्तान में दिख रहा है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुल्क के नागरिकों को बेरहमी से लाठियों डंडों से पीटा जा रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है? वो आपको दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि वो दिखाने की औकात आपकी नहीं है। इस देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले क्या कुलदीप सिंह सेंगर को इस देश के कानून ने, इस देश की न्यायपालिका ने सड़क पर घसीट के लाठियों डंडे से मारा? क्या इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने आसाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद जैसे लोगों को सड़क पर घसीट के मारा? देखिए, हरियाणा के खटारा मुख्यमंत्री, बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर नहीं, खटारा मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री सबसे खटारा मुख्यमंत्री है जो जय जवान जय किसान वाले देश में किसान पे लाठी चार्ज करवा रहा है। 9 महीने से सरकार कितनी औकात तो है नहीं कि किसानों को घर भेजने की वापसी की बात करें। और ये वापसी भेजने का तरीका देखिए कितना बेहतर है। इससे पहले आपने देखा जब किसान देश के अंदर घुसते हैं, देश की राजधानी में घुसते हैं, तो उसी हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दगवाए जाते हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी छुड़वाया जाता है। और आज फिर एक बार फिर हरियाणा के खटारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा देश के किसान को लहूलुहान किया गया, उसके ऊपर लाठीचार्ज की गई, बुरी तरीके से बेरहमी से मारा गया, पीटा गया। क्या लोगों का पेट भरना इस देश के अंदर अपराध है? क्या पेट भरने वाला इस देश के अंदर मुजरिम है, वो आतंकवादी है, वो टेररिस्ट है, देशद्रोही है? आर्टिकल 19 के तहत देश के सुप्रीम कोर्ट को इस बात का जवाब देना होगा कि क्यों देश के किसान के ऊपर लाठी चार्ज की गई। क्या वो किसान आतंकवादी था? क्या वो किसान इस भारत देश का नागरिक नहीं था? आप देश के मुल्क के नागरिकों पर इस तरीके से आप कहते हैं चलिए किसान नहीं था, मुल्क का नागरिक तो था। मुल्क का नागरिक अगर अपनी आवाज को उठाने के लिए सड़क पर बैठेगा तो क्या देश की सरकार उन्हें लाठियों डंडों से पिटवाएगी? हैं, 50-50, 80-80 साल के बुजुर्गों के ऊपर लाठियों डंडे मारे जाएंगे और आप समझते हैं कि देश के अंदर लोग चुप रहेंगे? कोई देश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल दे, राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल दे तो उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जा रहा है? आप डेमोक्रेसी में रहते हैं या फिर कहाँ रह रहे हैं आप? लगता है आपको डेमोक्रेटिक कंट्री है? मोहित भाई, अगर कानून को देखें तो अगर कोई विरोध करता है तो उस पर लाठी चार्ज सर से नीचे नीचे होता है। वहीं करनाल के एक प्रशासनिक अधिकारी पर वीडियो वायरल हो रहा है जो पुलिस वालों को दिशा निर्देश दे रहा है कि अगर यहाँ से कोई आगे बढ़े तो उसका सर फोड़ देना। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अधिकारी हैं, मैं आपको बता दूं, ये अधिकारी कोई अपनी मर्जी से बयान नहीं देते, इन अधिकारियों को ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं। और देश के नेताओं को इस बात का जवाब देना होगा कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, जिस जय जवान जय किसान वाले देश में, जिस लाल बहादुर शास्त्री के देश में, जिस भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के देश में देश के किसान को बेरहमी से मारा गया, क्या आज देश के अंदर देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है? बताइए। एक और अगर ये महाराष्ट्र के अंदर होता है या कहीं और होता है तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया। पेट्रोल के दाम पूछ रहे हो तो कहते हैं अफगानिस्तान चले जाओ। आज किसान को मारा गया, पीटा गया, बताइए पिटवाने वाले नेता क्या हिंदुस्तान के हो सकते हैं? ये सबसे बड़े देश के गद्दार, देश के जयचंद नेता हैं जो किसानों पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं। किसानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और लोग चुप बैठ के देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। 9 महीने से सरकार की औकात नहीं है। 650 से ज़्यादा किसान भाई हमारे शहीद हो गए, सरकार तो बैठ के यहाँ पर जैसे कोई मदारी का तमाशा चल रहा हो या डुगडुगी बज रही हो इस तरीके से देख रही है, ध्यान ही नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए, नेशनल चैनल्स को खोल के देख लीजिए एक बार। जो लोग हमें गाली भी देते हैं ना, उनके लिए भी कह रहा हूँ, अगर इतना सा ज़मीर जिंदा है ना, इतना सा ज़मीर अगर आपका जिंदा है तो एक बार न्यूज़ चैनल को खोल के देख लीजिए। नीचे पतली सी छोटी सी हेडिंग की तो मैं कहता नहीं हूँ, कोई चैनल नहीं दिखा रहा किसान को लेकर। सबको वहाँ अफगानिस्तान में दिख रहा है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुल्क के नागरिकों को बेरहमी से लाठियों डंडों से पीटा जा रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है? वो आपको दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि वो दिखाने की औकात आपकी नहीं है। क्योंकि ये लोग टीआरपी खरीदने वाले चैनल जो देश के अंदर जो जरा सी बात को कह देते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है, इनके सूत्रों का पता नहीं होता।
देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, लोगों को सरेआम सड़क पे घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पूर्व आईएएस ऑफिसरों को उठा के जेल में बंद किया जा रहा है। ये लोकतंत्र है देश का, ये लोकतंत्र है देश का। ऐसे बनाएंगे आप स्मार्ट सिटी से, ऐसे बनाएंगे डिजिटल इंडिया, बताइए। एक तरफ किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है कर्नाटक में, वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर जो है मुख्यमंत्री, वो पंचायत की रात चुनाव जीतने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आज उन देश के जयचंदों से सीधा सवाल, कहाँ गए आज अन्ना हजारे जो इस रामलीला मैदान पर लोकपाल की मांग किया करते थे? किसान के लिए उस कुंभकर्ण को जगाना पड़ेगा, उस कुंभकर्ण के घर तक गए जगाने के लिए। वो कहता है कुंभकर्ण कि मुझे सुनाई नहीं देता। बताइए आप, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी बुजुर्ग के लिए ऐसे शब्दों को बोलना, लेकिन वो किसान के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। मर गया लोकपाल, अन्ना हजारे भी जिंदा बैठा हुआ है, तमाम नेता जिंदा बैठे हैं, वो किरण बेदी भी जिंदा बैठी हुई है। मर तो वो लोकपाल गया जिस लोकपाल की मांग किया करते थे। बताइए आज किसान को लेकर बोलने के लिए सनी देओल कहाँ गए? बताइए ना, हेमा मालिनी कहाँ गई? बता दीजिए, वो तो गेहूं काटने के लिए आती थी, मथुरा से सांसद हैं, गुरदासपुर से सनी देओल लापता हो गए, गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगवाए इनके, कहाँ गए सारे के सारे लोग? पता करिए इन लोगों का कहाँ है ये, अपनी आ रही फसल काटने के लिए। फसल काटने वाला गेहूं जो असली किसान है वो तो सड़क पे पिट रहा है, और आप तो वहाँ मुंबई में अपनी आलीशान कोठियों में बंगलों में बैठे हुए हैं बढ़िया करके, और जो इनके खिलाफ बयान दे दे उसको उठा के जेल में बंद कर दो। भाई तो 26 जनवरी को लाल किले पे तिरंगे के लेके तो अफवाहें उड़ी थी और दो लोगों ने बवाल किया था। अभी हाल ही में कल्याण सिंह जी के पार्टी शरीर की आड़ लेकर के तिरंगे को नीचे रखे कि पार्टी विशेष का झंडा ऊपर रख दिया गया है, क्या ये तिरंगे का मान नहीं? अरे भाई, कौन से तिरंगे क्या ये सम्मान करते हैं ये बता दीजिए, कौन से तिरंगे का सम्मान करते हैं? तिरंगे का सम्मान इस तिरंगे के तीनों रंगों से है, एक रंग से तिरंगे का सम्मान नहीं है। तीनों के तीनों रंग तिरंगे में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह नहीं पता होगा कि ये लड़ाई जो होती है देश में, जंगें जो होती हैं, इस तिरंगे के खातिर होती हैं, और इन्होंने अपनी पार्टी विशेष का झंडा ऊपर रख दिया। किसान को पिटवाने वाले देश में, इस देश में किसान को मारा गया, और ये देश के इतिहास में ध्यान रखिएगा, ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा ये दिन। दूसरी बार देश के किसान को इस आंदोलन के तहत बेरहमी से मारा गया, बेरहमी से, बर्बरतापूर्ण व्यवहार, उनको लहू लुहान कर दिया गया। आप जाके देखिए कितनी बुरी तरीके से मारा है किसानों को इन्होंने। मेरा सवाल यही था, क्या किसी तिरंगे से बड़ा किसी पार्टी विशेष या धर्म का झंडा हो सकता है? देखिए, पार्टी विशेष की बात आज नहीं होगी, आज बात किसान की होगी। बहुत दिन छिपा लिया किसान को, बहुत दिन, 9 महीने से लोग पूछते हैं, जब लोगों को पता चलता है ना कहीं से, तो लोग फोन कर करके पूछते हैं कि आज भी धरना चल रहा है, क्योंकि कोई किसानों को दिखाने वाला नहीं है। दिखाने वाले अंबानी अडानियों को, उद्योगपतियों को, ये चार लोग। इतना देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कंटेनर की दीवार लगा के देश का तिरंगा झंडा लहराया गया, और किसान को बेरहमी से बुरी तरीके से आज जो मारा गया है। देश के लोगों को अपने ईमान को जगाना होगा, देश के लोगों से निवेदन है कि लाठी और डंडे से नहीं, कानून के जरिए, संविधान के जरिए, अगर आप लिखना जानते हैं तो लिखने के जरिए, बोलना जानते हैं तो बोलने के जरिए, देश के किसान को सहयोग करें, समर्थन दें। क्योंकि अगर किसान ऐसी सड़कों पर लाठी डंडे खाते हुए मर गया ना, तो ध्यान रखिएगा कि आप, वो दिन दोबारा आएगा इस देश के अंदर जो वो अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूँ इस देश में आता था ना, ये सरकार आपको दोबारा से वही दिन दिखा देंगी, वो सड़ा हुआ गेहूँ आपको दोबारा से दिला देंगी। बिल्कुल काले कपड़े पहन के हम विरोध करते हैं इस सरकार का, और इन सरकार के तीनों काले कृषि कानून का। आप एक बात मुझे बताइए कि सरकार कह रही है एक और किसान को लेकर, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा सुप्रीम कोर्ट से किसान को लेकर क्या बयान आया है, आप सभी ने देखा वो जजमेंट जो सामने आया है, उसके बाद किसान के ऊपर करनाल के अंदर इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज, शर्म नहीं आती इन्हें? हम भाई लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इस लोकतांत्रिक देश में लोगों को एक ही आज़ादी है, और वो है अपने विचारों की, स्वतंत्र विचारों की आज़ादी। इस देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले क्या कुलदीप सिंह सेंगर को इस देश के कानून ने, इस देश की न्यायपालिका ने सड़क पे घसीट के लाठी और डंडे से मारा? क्या इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने आसाराम, राम रहीम, चिरमानंद जैसे लोगों को सड़क पे घसीट के मारा? तो आपकी हिम्मत और औकात क्या होती है कि आपने किसान को डंडे से मारा, बताइए? मतलब बलात्कारियों को लेकर, आतंकवादियों को लेकर, एक बात मुझे बताइए, चलिए तो किसान है, अभी थोड़े दिन पहले आपने उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवादी पकड़े गए थे, पता चला था ना, वो आतंकवादी थाने के अंदर गए, आज तक पता चला कि उन्होंने क्या बयान दिया? बताइए, वो आतंकवादी थे तो जनता के सामने यही मारना चाहिए तो उन्हें रोड पे लिटाकर, क्यों नहीं मारा सरकार ने? और सरकार बताती भी नहीं है कि आतंकवादियों ने क्या बयान दिया, बताइए ना, पूरे देश को जानने का हक है कि क्या बात हुई आतंकवादियों से, क्या बयान दिया उन्होंने, अगर वो रिमांड पे हैं तो कहाँ हैं वो रिमांड पे, पता चलना चाहिए, नहीं बताते किसी बात का।
काय बात की लोकतंत्र की आज़ादी, ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए हमें, इससे कम से कम इससे बड़ी आज़ादी तो अंग्रेज देते थे, कम से कम उनके राज में हिंदुस्तान एक तो था, हिंदुस्तानी एक साथ तो थे, मजबूती से तो खड़े थे, एक साथ लड़ाई में तो खड़े रहते थे, वो कम से कम आप ये समझो विदेश से आके हमें मारते थे, ये समझ लो आप, लेकिन ये हिंदुस्तानी होते हुए हिंदुओं का खून, हिंदुस्तानियों का खून बहा रहे हैं, बताइए, ये हिंदुस्तानी होते हुए इस मुल्क के नागरिकों का खून बहाने में लगे हैं, और वो भी इस देश की मजबूत हड्डी का, जो इस देश का पालनहार है, लोगों का पेट भरने वाला किसान है, उसको लाठी डंडे से मारते हैं। अरे शर्म नहीं आती आपको? आपके बच्चे तो विदेशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चों की इतनी औकात नहीं है, तमाम नेताओं को बोल रहा हूँ, आपके बच्चों की इतनी औकात नहीं है, बीजेपी के नेता और वो सेल वाले सेलिब्रिटी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, ठीक है, आपके सनी देओल, इन जैसे सेल वाले सेलिब्रिटियों को कहना चाहता हूँ, और वो कंगना रनावत जैसे लोग जो बोलते हैं किसानों को लेकर, बोलते हैं कि आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, बिकाऊ लोग हैं, अरे अपने ज़मीर को जगा के देखिए और बताइए आपके माँ बाप या आपके ख़ानदान में ऐसे कितने लोग हैं जो देश की हिफाजत करने के लिए सरहद पर जाते हों। ये किसान है जिसका बेटा सरहद की हिफाजत भी कर रहा है, और आप जैसे लोग जो देश के किसान पर लाठी चार्ज करते हैं उनका भी पेट भर रहा है, लेकिन आपको शर्म ही नहीं आती है? आप लोगों की आंख में तो पता नहीं कौन सा बाल है जो आपको किसान नज़र नहीं आता, इतनी बेरहमी से पिटवाएंगे, वो तो देख नहीं रहे हैं कैसे पिटवाया जा रहा है उन्हें, किसी का सर फटे, किसी की टांग में चोट लगे, कोई 80 साल का हो, 50 साल का हो, कोई भी हो, मारने से मतलब अंधाधुंध। ये बात तो प्रधानमंत्री जी पहले कह चुके हैं ना कि ये तो मुट्ठी भर लोग हैं और आंदोलनजीवी हैं, तो अपोजिशन पार्टियों के टुकड़ों के पलते हैं। जिन आंदोलनजीवियों की आप बात करते हो ना, उन आंदोलनजीवियों की बदौलत ना आप इस देश के अंदर लोकतंत्र में बोल पा रहे हो, वरना आज किसी अंग्रेज के घर में बैठ के ना उसके जूते और चप्पल चाट रहे होते, साफ कर रहे होते। इन आंदोलनजीवी की बदौलत आपको आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है। आंदोलनजीवी थे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, एक बार भी नहीं सोचा देश के लिए, अपने लिए, कि अपने घर की, जब उनकी शादी का निमंत्रण आया तो घर छोड़ के भाग गए भगत सिंह जी, फांसी के फंदे को स्वीकार करा, लेकिन किसी अंग्रेज की दलाली और गुलामी स्वीकार नहीं करी। और सबको पता है कि आज भी किसकी चीनी मिलें चलती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सब लोग जानते हैं कि किसने दलाली करी, किसने गुलामी करी और किसने मुखबरी करी। ये लोग देश के गद्दार हैं, देश के जयचंद हैं, और जिसकी बदौलत आज आपको देश आज़ाद मिला है ना, उन स्वतंत्रता सेनानियों को तो ये लोग याद भी नहीं करते हैं। आज तो करनाल में लाठीचार्ज हुआ, उसका जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी को मानते हो या सरकार को? प्रशासनिक अधिकारी तो यहाँ भी बैठे हैं, ये बैठे प्रशासनिक अधिकारी पीछे, देख लीजिए बैरिकेड्स लगा रखे हैं, लेकिन ये प्रशासनिक अधिकारी 9 महीने से बैठे हैं, अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं कही। एक बार प्रशासन की तरफ से इनको ऑर्डर आ जाए, ये अभी आप पे लाठीचार्ज कर देंगे। ये तो प्रशासन के अंडर बंधे पड़े हैं, और जो अधिकारी इनके विरोध में बोल दे, चाहे वो पूर्व IAS ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको उठा के जेल में बंद कर दो, जो इनकी बात ना माने उसका ट्रांसफर कर दो, जो इनकी बात ना माने उसके घर पे ED, CBI, रॉ, इन सब के जांच एजेंसियां बिठाल दो, ये इनके पास सबसे बेस्ट हथियार है। अधिकारी कानून के नुमाइंदे होते हैं और वही लोग कानून को तोड़ते हुए इस प्रकार के आदेश दे रहे हैं, तो उनके, आप सुनिए, वो लोग ये दे रहे हैं, इसके बाद ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल हो गई, लोगों ने इसके बारे में बोल दिया, तो क्या होगा? उस अधिकारी को लैन हाजिर कर दिया जाएगा, ड्यूटी से हटा दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, बस। क्या जो किसान का आज जो रक्त बहा है, जो उनका खून बहाया है करनाल बाईपास पे, जो बहाया है वहाँ पे करनाल पे, क्या वो खून वापस आ जाएगा? जिनकी हड्डियाँ टूटी हैं, जिनकी टांगें टूटी हैं, जिनों के सरों में चोट लगी है, क्या वो ठीक हो जाएंगे? बताइए, सरकार अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा अधिकारियों पे फोड़ देती है, लेकिन असल में जिम्मेदार तो सरकार है, इस देश के नेता हैं जो चला रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि देश में राज्य कितने, स्टेट कितनी है, जिनको ये नहीं पता कि देश के अंदर की जनसंख्या कितनी है, आबादी कितनी है, वो नेता लोग जो आ जाते हैं जिनकी डिग्रियों का आता पता नहीं है, वो देश चला रहे हैं आज हमारा। ये अधिकारी नेताओं के आगे इतने मजबूत क्यों हो जाते हैं कि वो कानून तोड़ने से भी बाज नहीं आते? अधिकारियों के हाथ इतने मजबूत करता कौन है बताइए? आप देख लीजिए, अगर आज के टाइम में 90% करप्शन हो रहा है, 90% करप्शन हो रहा है, किसी भी ऑफिसर्स की पोस्ट पे ले लीजिए, आप ये देख लीजिए, लिटरल एंट्री शुरू कर दी है इन्होंने, तो डायरेक्ट लिटरल एंट्री शुरू कर दी पिछले गेट से इन्होंने लोगों की हर चीज़ के अंदर। एक नेता का बच्चे का नाम गिनाइए, इतने सारे लोग हैं आप, छः लोग हैं आप, ठीक है, 6 लोग हैं, एक नेता का नाम गिना दीजिए जिसका बेटा सरहद की हिफाजत करना जान रहा हूँ। हम भी जानना चाहते हैं, ये बुजुर्ग लोग खड़े हैं, बूढ़े किसान खड़े हैं, ये भी जानना चाहते हैं क्या इन्होंने देश का ठेका ले रखा है? ठेका इस देश के अंदर नेताओं ने नहीं ले रखा? ठेका नेताओं का नहीं है कि अपने बच्चों को हिफाजत करने बैठे भेजें बॉर्डरों की? या उन्हों का ठेका सिर्फ यही है कि बैठ के तनख्वाह खाओ, आलीशान कोठियों में बैठो, मखमली कंबल और बिस्तरों में जाके सो, यही ठेका है उनका? किसान के लिए सोचिए, आप लोग ही बनाते हैं ना? कौन? आप
हम लोग ही तो उनको नेता। अरे हम क्या करें, हमने तो इसलिए बना दिया जब वो बोल रहा है कि मेरा क्या है, मैं तो फक्कर फकीर हूँ, मैंने भीख मांग के खाई है, हैं? हमने सोचा कि एक गरीब आदमी को कुर्सी पे बिठाएंगे तो भैया देश का भला होगा, चाय बेचने वाला। अब हमें क्या पता था चाय बेचने वाला कब देश बेच देगा, हमें थोड़ी पता था। तो किसान का समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।